सलाम। आज हम लोग जा रहे हैं लंदन की सिटी में। तकरीबन 1 घंटा 30 मिनट 40 मिनट की ड्राइव है। अगर आपको रिसेंटली इस सिटी के बारे में नहीं पता चला कनाडा की, तो मैं आपको बताता हूँ। आज ये वो जगह जहाँ पे पाकिस्तानी पूरी फैमिली के ऊपर एक टेररिस्ट, मैं उसको कहूँगा, बच्चे ने अपना ट्रक ऊपर चढ़ा दिया था और उसकी वजह से 4 लोगों की वफात हो गई थी। एक बच्चा छोटा रह गया उस फैमिली में से। इस पे बात करते हैं। के पास से गुजरते हुए वैसे ही डर लगता है क्योंकि वो काफी बड़े होते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलरली सेफ नहीं लग रहा। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि कनाडा में सिर्फ 2 मौसम होते हैं, एक कंस्ट्रक्शन का, दूसरा जब कंस्ट्रक्शन रुकी होती है। कभी चीजें बना रहे होते हैं, कभी तोड़ रहे होते हैं, समझ नहीं लगती इन लोगों की। ओए क्या कर रहे हो, दिमाग खराब करके रखा हुआ हम लोगों ने तुम लोगों ने। वो देखो मजे से, पता नहीं करी चल भाई करी चल। वैसे जितना इन पाइलान कंपनीज का काम है ना, बंदा पाइलान की कंपनी शुरू कर दे। ऐसे आपको काफी आइडियाज इन वीडियोस में नजर आएंगे, सो स्टे ट्यून्ड प्लीज। ओके थैंक यू। हाय, कैन आई एक्चुअली जस्ट मेक इट अ कॉम्बो विद हैश ब्राउन्स? फॉर श्योर, एनीथिंग एल्स? दैट्स इट, थैंक यू। नैपकिन्स प्लीज, जस्ट अ कपल ऑफ देम। या परफेक्ट, थैंक यू। अगर आप सोच रहे हैं कि बंदा इस टाइम क्या कर रहा है, तो बंदा अभी नाश्ता कर रहा है। मेरे ख्याल से 5 दिनों के अंदर अंदर ये सब कुछ बिजी हुए ना, आज ही बस ये फ्री है सब कुछ। काफी ज्यादा ये इस किस्म की ग्राफिक्स नजर आ रही। फिट फॉर लेस या फिर गुड लाइफ, इन दोनों में से एक लाजमी ज्वाइन करूंगा, क्योंकि भाई ने सोच लिया है कि एक्सरसाइज पूरी करनी है। और वो जो सामने मैकडॉनल्ड्स, नहीं मैकडॉनल्ड्स नजर नहीं आ रहा आपको, लेकिन उस तरफ मैकडॉनल्ड्स है, वहां पे नहीं जाना भाई ने। भाई ने ये करना है, अपने आप को फिट करना है। इन दोनों में से जो भी सस्ता होगा वो करूंगा। अगर ये वाला ज्यादा सस्ता नहीं है तो शायद कोई और ढूंढ लो, लेकिन वीडियोस में नजर आएगा आपको ये चीज। भाई पूरी तरह कह रहा है आपको, इसकी बात कर रहा था कि नहीं जाऊंगा यहाँ। अभी जैसे मैं इस जगह पे पहुंचा था, मेरे सामने यहाँ पे एक पूरी फैमिली खड़ी थी, माँ बाप और बेटी। और जब मैं गाड़ी पार्क पैरेलल लगा रहा था यहाँ पे, तो अपनी तरफ गाड़ी को आते हुए देख के वो माँ बाप ऐसे सिमट गए थे। और मैं तब से सोच रहा हूँ कि उस लड़के को जिसने ये हरकत की है, उसको ज़रा भी तरस नहीं आया होगा उस टाइम, उस सिचुएशन में, जब वो उसने रिएक्शन देखा होगा कि ये एक पूरी फैमिली तबाह करने जा रहा है वो। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के लोग नॉर्मल होते हैं। एक बाप होने की वजह से मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू को, जिसमें आपके बच्चे भी वहीं पे ही हैं, उस एक सेकंड में आपके दिमाग में से क्या क्या बातें गुजर रही होंगी, बहुत ज़्यादा बातें इस टाइम दिमाग में आ रही। ऊपर से मीडिया ने उस लड़के की सिर्फ वो वाली तस्वीरें दिखाई हुई हैं जिसमें वो पॉजिटिव लग रहा हो आपको, मसलन ये वाली, इसमें वो भागता हुआ टीनेज लड़का नजर आ रहा है। जो भी देखने वाले हैं उनको बेसिकली ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि वो इसको एज ए नॉर्मल पर्सन लें, हालांकि जो उसने काम किया वो बिल्कुल नॉर्मल पर्सन वाला नहीं। उसका मग शॉट होपफुली अगर मैं ढूंढ सकूं तो वो मैं अभी दिखा दूंगा, क्योंकि अभी तक मीडिया पे वो मग शॉट नहीं शेयर किया गया। कैसे एक पूरी फैमिली
उम्मीदों के साथ अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में आई और वहां पे आके टैक्सेस पे कर या कम्युनिटी में पॉजिटिव असर ऐड करने वाले होते हैं और कैसे एकदम से सारा कुछ खत्म। मैं इस चीज को मेक श्योर करना चाहता हूँ, ये नहीं कहा जाए कि हेट क्राइम है बल्कि इसको टेररिज्म कहा जाए क्योंकि ये टेररिस्ट एक्टिविटी ही है। अगर इसमें रोल्स स्विच कर दिए जाते हैं तो उसको टेररिस्ट एक्टिविटी ही कहा जाता। मुझे बाकी बातों का नहीं पता, मुझे इस बात की गारंटी है कि लंदन में पाकिस्तानी या मुसलमान इन जनरल बहुत ज्यादा आने वाले हैं फ्यूचर में। And I'm 100% sure that all of these people are going to have positive effect in this community. London, I hope you're ready. Milte hain next video mein. Peace.